इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सपा के पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा जी। रविदास जी से जानते हैं, योगी सरकार के लगभग 4.5 साल पूरे हो चुके हैं, क्या किया सरकार ने? सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर ये बताइए कि योगी सरकार ने क्या किया अभी तक? उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, ये 4.5 साल में कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। पूर्ण रूप से ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। लगातार बेरोजगारी बढ़ी है। पूरे लखनऊ शहर में, पूरे प्रदेश में सड़कों में गड्ढे हैं, कहीं पर एक भी अस्पताल स्कूल बनने का काम नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 4.5 साल में जनता त्राही त्राही कर चुकी है। ये सरकार पूर्ण रूप से असफल हो गई है। इस सरकार को एक दिन भी योगी जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं रह गया है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो पुराने इन्होंने काम छोड़े हुए थे, हाल ही में अभी अखिलेश यादव जी ने भी कहा है अमली जामा पहनाया है, खासतौर से बीजेपी सरकार ने, जो हम लोगों की सरकार में 5 सालों में काम हुए थे और जो काम हम लोगों ने पास कर दिए थे, उस काम को भी सरकार 4.5 साल में पूरा नहीं कर पाई है। पूरा प्रदेश जानता है कि अखिलेश यादव जी ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे है उस पर काम शुरू कर दिया था, और आज 4.5 साल बीत जाने के बाद भी पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे बनने का काम नहीं हुआ है। अस्पतालों में हम लोगों ने जनता को निःशुल्क दवाएं देने का काम किया था, जांच फ्री होती थी, आज ना कहीं जांच फ्री हो रही है और ना लोगों को दवाएं मिलने का काम हो रहा है। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी को क्या लगता है, बीजेपी सरकार कहां पे फेल हो गई? कानून व्यवस्था इनकी दुरुस्त है? पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है और कानून व्यवस्था पूर्ण ध्वस्त हो गई है। बहन और बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। व्यापारियों के साथ उनकी दुकानों में लूट हो रही है और ऐसा लगता है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। अपराधी मंत्रियों की गाड़ी में खुलेआम घूम रहे हैं और यह सरकार अपराधियों का पिटने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी क्या एजेंडा लेके आएगी इस बार? सरकार, जनता सरकार को क्यों चुने, समाजवादी पार्टी को? हम लोगों ने 2012 से 17 के बीच में जो विकास का काम किया था वो जनता के सामने है। हम लोगों ने लखनऊ शहर के अंदर अपनी सरकार में मेट्रो में काम शुरू करा दिया। ये प्रदेश की सरकार बनने के बाद 1 इंच भी मेट्रो को बढ़ाने का काम नहीं किया। इस सरकार ने खाली जो हम लोगों के काम थे उस पर शिलान्यास करने का काम किया है, और इसके अलावा इस सरकार ने सिर्फ नाम बदलने का काम किया है, कहीं कोई विकास करने का काम नहीं किया है। हम सरकार का तो दावा है कि विकास हुआ है पूरा हर जगह, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में और लखनऊ शहर में कहीं भी आप घूमिए, सड़कें खुदी होंगी, सड़कों पर गड्ढे होंगे और जनता लगातार कहती है कि सड़कें ठीक करने का काम करिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं सड़कें बनने का काम नहीं हो रहा है। कोई भी एक काम भाजपा की प्रदेश सरकार बता दे कि उन्होंने कहां अस्पताल खोले हैं, कहां पर स्कूल खोले हैं, कहां लोगों को रोजगार दिया, केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और कहीं कोई भी विकास का काम जनता को दिखाई नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जुट चुकी है काम में, यानी कि समय बहुत कम बचा है अभी। हम लोग लगातार 4.5 साल से ही काम कर रहे हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी हर मुद्दों पर जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का काम करती रही है। और हम लगातार चुनाव अभियान की बात नहीं है, हम लोग जनता के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं। कोरोना काल हुआ और कोरोना काल में प्रदेश की सरकार लोगों को ऑक्सीजन दे पा रही थी, हम लोगों ने घर घर जा कर के लोगों का व्यवस्था करने का काम किया है। आज प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसका जन विश्वास समाप्त हो गया है, जन समर्थन इस सरकार ने खो दिया है। अब जनता
परिवर्तन और बदलाव कराने का मन बना चुकी है। परिवर्तन और बदलाव अवश्यंभावी हो गया है और अखिलेश यादव जी प्रदेश के 2022 में अगले मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता ऊब गई है, परेशान हो गई है और केवल मतदान के दिन का इंतजार कर रही है। जनता समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुने? हम लोग सबसे पहली बात तो यह है कि विकास का करने काम करते हैं। जो हम लोगों ने वादे किए उन सारे वादों को पूरा करने का काम किया है। इस सरकार ने बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि करी है। हम लोगों ने ये कहा है कि सरकार बनने की पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ही 300 यूनिट लोगों को बिजली फ्री मिलने का काम होगा। हम लोगों ने कहा है कि जो निराश्रित महिलाएं हैं ऐसी महिलाओं को 55 लाख लोगों को पेंशन देने का हम लोग काम कर रहे थे। ये सरकार आई, इस सरकार ने निराश्रित महिलाओं की पेंशन बंद कर दी। हम लोगों ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में प्रदेश के 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपया मासिक पेंशन मिलने का काम होगा। हम लोगों ने ये ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद जो शिक्षा मित्र हैं उनको बनाएंगे अध्यापक, ऐसे ही जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा, 10 लाख नौजवानों को नौकरी मिलने का काम होगा। इसके अलावा पूरे प्रदेश में सारे जो सड़कें में गड्ढे हैं, आज विकास का सारा काम ठप है, वो विकास का काम शुरू होगा। जनता को ये विश्वास है कि अखिलेश यादव जी की अगुवाई में जो सरकार बनेगी वो जनता के हित में विकास का काम करेगी। कानून व्यवस्था का राज होगा और कहीं पर कोई भी बहन और बेटियों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर पाएगा। इस सरकार ने, हम लोगों ने 10-90 बनाया था लेकिन इस सरकार ने उसको समाप्त करने का काम किया। समाजवादी पार्टी जाति राजनीति को कैसे देखती है? हम लोग किसी जात और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोगों का कहना है कि समाज के जो भी शोषित, पीड़ित, गरीब, कमजोर, असहाय लोग हैं और जो समाज का सबसे आखिरी व्यक्ति है उसके चेहरे पर मुस्कान आए, ये हम लोग प्रयास करने का काम करते हैं। अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम हो, मालिक और मजदूर के बीच का अंतर कम हो, यही समाजवाद है और हम लोग समाजवाद की बात करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी केवल सांप्रदायिक दंगा कराना, हिंसा कराना, भाई से भाई को लड़ाना ही काम करती है। हम लोग भाई से भाई को जोड़ने का काम करते हैं और इसीलिए आज पूरे प्रदेश में जनता इस सरकार को हटा करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है। शुक्रिया जी। हाँ, पूर्व मंत्री हैं रविदास जी, इनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी आती है तो निश्चित तौर पर रोजगार के साथ साथ विकास भी होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रूबी सिद्दीकी, न्यूज वन इंडिया। आइए, मैं जो तहसील के पास चाय की दुकान है, मैं यहाँ से चर्चा शुरू करता हूँ। ये चुनावी चर्चा जो आम लोगों की राय होगी, और आम लोगों की राय क्या है, नौजवानों की राय क्या है, इस पे हम बखूबी जानते हैं और सीधी तरह से उन्हीं से जुड़ते हैं। आप आइए, मैं इनसे बात करता हूँ। कहाँ से हैं आप? अरोलगाम से। अरोलगाम से आप आए हैं तहसील में किसी काम से? जिस काम से आए हैं, इस काम के अलावा चुनाव भी है, 2022 चुनाव आ रहा है। 2022 के चुनाव में आप किस तरह से नौजवान है, कौन से या विधायक वही रहेंगे या परिवर्तन क्या मतलब है? यहाँ पर रास्ता जल्दी क्या आप कहाँ बताए रोजदान से हमारे आपकी सड़क तो यहाँ से लेकर रोजदान तो खराब है, फिर आप सत्ता बदलने के लिए भाजपा को लाने की बात कर रहे हैं? सड़क नहीं, देखिए सड़क से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे यहाँ गरीबों की 80% गरीबों की मुफ्त में अनाज मिलता है, इसी सरकार ने ये सरकार दे रहा है। जो हमारे अन्नदाता है, अन्न उसमें हम लोग जीविका अपन चला सकते हैं,
हम लोग चाय बनाओ चाय तो नहीं जूता तो नहीं चला सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे परिवर्तन हो, यानी कि आप परिवर्तन चाह रहे हैं। आइए हम जानते हैं उन लोगों से, इसमें भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, कौन सा विधानसभा है आपका? चलिए फाजिलनगर विधानसभा है, तमकोही के विधानसभा से सटे फाजिलनगर है। फाजिलनगर की स्थिति आप संजोग से मिल गए तहसील में? फाजिलनगर की स्थिति ये है, फाजिलनगर में बीजेपी ही आना है विधानसभा, वहाँ से गंगा सिंह करंट टाइम में गंगा सिंह कुशवाहा जी है और बीजेपी ने प्रदेश स्तर पे या फिर केंद्र स्तर पे जो भी काम किया है बहुत काबिले तारीफ है और मैं चाहूँगा कि सरकार को एक मौका और मिलना चाहिए। कि सरकार ने कभी जाति धर्म भेदभाव कभी नहीं किया, अगर उन्होंने आवाज़ दिया तो सबके लिए दिया, अगर राशन दे रही है वो भी सबके लिए। इसके पहले आपके गंगा सिंह कुशवाहा के पहले सपा के विधायक रहे और कई बार लगातार रहे, क्या उन्होंने काम नहीं किया क्या भाई? सर उन्होंने काम किया, आज की जनता उनसे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो लोग काम नहीं होते तो जगह जगह सफाई काम होता, काम आज के डेट में गरीब जनता सबको दिख रहा है कि काम। आइए आपकी राय, आप अंदर चलिए, आइए 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 आइए, जरा सा आपसे जानते हैं, इधर आ जाइए जरा सा सामने। 2022 के चुनाव आप किस तरफ देख रहे हैं? 2022 में आप किसे वोट करने जा रहे हैं? किसान आंदोलन, हाँ ये सरकार को दे दो, आमदाता किसान है, किसान मेहनत करता है, किसान करता है, हम सरकार चलाते हैं तो किसान सरकार का अनाज पैदा नहीं करती है, वो तो किसान पैदा करता है, इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश किसान जा रहे हैं, सरकार का परिवर्तन है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की तमकोही विधानसभा में क्या परिवर्तन चाहते हैं? तमकोही विधानसभा में तो परिवर्तन होना ही होना है। किस तरह का परिवर्तन? चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इससे कांग्रेस तो नहीं रहेंगे लल्लू अति जी, लेकिन भाजपा और सपा में तो लड़ाई रहेगा। कौन ये दोनों में लड़ाई होगी? किसमें? और सपा और भाजपा में, सपा और भाजपा दो ही। हाँ, लेकिन मजबूत कौन सा है? परिवर्तन कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर नम किशोर मिश्रा को टिकट मिलेगा तमकोही से तो पूछ पड़ेंगे सपा से। हाँ, सपा से। चलिए आपकी राय आपकी जगह, आइए हम और आगे जानते हैं। यहाँ चाय की दुकान में बहुत सारे मतदाता बुद्धिजीवी बैठे हैं, मैं शुरुआत करता हूँ। आइए यहाँ तहसील से मैं एक अधिवक्ता है, मैं इनका विचार जानूं, जरा सा आप खड़े हो जाए तो आइए। ये 2022 चुनाव पे सबकी मतों का विश्लेषण किया जा रहा है, तो आज तहसील पे तमाम तरह के लोग आए हैं, आप तहसील के हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप क्या देखना देख रहे हैं? 2022 चुनाव परिवर्तन होगा क्या? ये विधायक रहेंगे या नया कोई विधायक? 2022 में योगी का सुफला साफ हो जाएगा और सेकुलर दलों की गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसा गरीब मजदूर किसान का सोच है। और आप जब गांव-गांव जाएंगे, केवल मीडिया में भाजपा का हल्ला है, लेकिन मीडिया के जब बाहर जाएंगे, गांव में जाएंगे, खेत खलियानों में जाएंगे, गरीब मजदूर किसानों में जाएंगे, विद्यार्थियों में जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जनाक्रोश व्याप्त है। कैसे आप कह रहे हैं? वहाँ तो इतनी भीड़ थी, अभी जोगी जी आए थे अतवार को, बहुत भीड़ थी। सुनिए, भीड़ होना और वोट में उसका कन्वर्ट होना दोनों दो बातें हैं। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से गठबंधन की जीतेगी, गठबंधन जीतेगी जी। चलिए, आपका विचार बिल्कुल गठबंधन जीतेगी। आइए जरा साहब, मैं जानता हूँ ये आप भाजपा नेता भी हैं और आपका भी विचार जानूंगा। इस विधानसभा में परिवर्तन और होने जा रहा है या परिवर्तन से बाहर विधानसभा है, इस पे आपके विचार क्या है? परिवर्तन से बाहर विधानसभा नहीं, इस बार 100% परिवर्तन होना है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो 25 सालों से हम सूखा पड़ा हुआ है, इस विधानसभा से हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ और लगभग 50,000 वोटों से अधिक मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक को इस प्रदेश की पंचायत में भेजेंगे। और अभी हमारे
सीनियर वकील अधिवक्ता ने कहा कि सेकुलर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से सेकुलर कौन सी सरकार है। मैं अपने अधिवक्ता वकील से पूछा, अपने अधिवक्ता मित्र से पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि साढ़े चार सालों में पूरे प्रदेश में कहां दंगा हुआ है, इससे अधिक सेकुलर सरकार आपको कहां चाहिए। गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, वंचित की बात करते हैं, लेकिन उनके अधिकारों को देने की बात नहीं करते। उनके अधिकारों को दिया किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कोरोना काल के संकट काल में प्रदेश की, गांव की, ग्रामीण जनता जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित थी, जो अल्पसंख्यक थे, जो क्षेत्र के पिछड़े थे, इन सभी को ना सिर्फ प्रदेश राज्य ना सिर्फ मोदी सरकार बल्कि योगी सरकार ने क्या किया, वैक्सीनेशन का काम करवाया, मुफ्त अनाज का काम करवा रही है। आंगनबाड़ी में आप देखिए जो नवजात बच्चे हैं उनके सुपोषण के लिए यहां तक प्रदेश सरकार चिंतित है, और प्रत्येक महीने जो गर्भवती महिलाएं हैं उन गर्भवती महिलाओं को दाल पहुंचाई जा रही है। मैं आपके पास पुनः आ रहा हूं जी। प्रदेश में साढ़े चार साल में दंगा नहीं हुआ, ये दंगा करने वाले थे जब वही सरकार में आ गए तो दंगा कहाँ से होगा। फ्री में राशन मिलता है। आप सुन लीजिए श्रीमान जी पत्रकार महोदय, नहीं चाहिए, जनता को अपना अधिकार चाहिए। 10 किलो आटा चावल दे करके, गेहूं दे करके आप बुनियादी काम नहीं कर रहे हैं। बुनियादी काम महोदय सुन लीजिए, जो छह बुनियादी काम है। पत्रकार महोदय, पत्रकार महोदय सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं जो दंगे करते थे, आप बताइए कि दंगे कौन करते थे। इसी सरकार में जिन लोगों ने दंगा किया, आप भी धैर्य से सुनिए, NRCC और CA के विरोध में जिन लोगों ने दंगा किया, उन लोगों के नाम जो है उनके घर पर चिपके हुए हैं, वो उन लोगों के नाम उनके घर पर चिपके हुए हैं। तो आप पता कर लीजिए कि कौन लोग हैं जो दंगा किए थे, और कौन लोग इस सरकार में जो दंगा किए, आज उनके घर के नाम पर देखिए, घर की दीवार पर उनका नाम चिपका हुआ है, और राज्य संपत्ति का जिन्होंने क्षरण किया दंगा करके, उनको भरपाई करनी पड़ रही है। मैं अभी आया, कुछ लोग और यहाँ मैं अपने अधिवक्ता मित्र को बताना चाहता हूं कि आपने कहा 10 किलो अनाज ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, ये एक गरीब के लिए महत्वपूर्ण है, एक पिछड़े और वंचित समाज के परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, और सिर्फ यह सरकार अनाज के लिए नहीं। आप बताइए सौभाग्य योजना से कितने बिजली कनेक्शन हुए, हर घर जल, हर घर नल, इसके माध्यम से आवश्यक मूलभूत जल की सप्लाई सरकार कर रही है। सौभाग्य योजना के सुनिए, और इस प्रदेश में 1.5 करोड़ से अधिक किसान बंधुओं को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से हर चौथे महीने 2000 रुपए की सहायता राशि जाती है। इसके अलावा इस प्रदेश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन हो रहा है, इस प्रदेश में सर्वाधिक आवास आ रहा है, इस प्रदेश में सर्वाधिक आधारभूत सुविधाओं की उत्पत्ति। मैं कुछ सवाल ले लूं फिर आपसे करता हूं बात, क्योंकि कुछ और लोग खड़े हैं आपकी बात। मैं जरा अंदर चल रहा हूं, जरा सा यहां आइए, जरा सा मैं आपको सिर्फ इतना आपके चैनल के माध्यम से इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार फिर भाजपा सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, 350 के पार होंगे। हमको एक मैं आ रहा हूँ, वार्ता में आप भी शामिल होइए, और 2022 चुनाव कहाँ है, आप किस तरह से देख रहे हैं, सरकार से संतुष्ट है या फिर परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, जरा सा मैं आपके विचार जानूं। परिवर्तन गरीबों में नहीं है, अमीरों में है। इन्होंने कहा जब 5 किलो अनाज देकर अब लोगों को खुश करना, 5 किलो अनाज से घर में दाल भात नहीं नहीं पकता है, उससे उससे पीछे पैसा लगता है, तेल लगता है, गैस लगता है।
चावल 5 किलो गेहूँ की व्यवस्था की है योगी सरकार ने 5 किलो चावल भारतीय जनता पार्टी सवाल था हम लोगों का, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, राशन मुफ्त लेके हम क्या करेंगे? देखिए गैस महंगा, मैं अभी जितने हमारे सम्मानित साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं इनको ये बताता हूँ कि गैस और पेट्रोल जो महंगा है वो सन 2008 और 9 में कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी के लिए, जब वो कांग्रेस सरकार सस्ता करके सब्सिडी के आधार पर जब पेट्रोल डीजल और गैस की सब्सिडी देती थी, उस समय कांग्रेस सरकार ने बाजार से जो है पेट्रोल बॉन्ड लिए, गैस के बॉन्ड लिए थे। बहराइच जनपद में जहां पर हम जानेंगे कि योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हुए हैं और इन 4.5 सालों में योगी सरकार की क्या उपलब्धियां रही, क्या अनुपलब्धियां रही, जनता उनसे उनकी कामकाज से कितना खुश है, कितना नाखुश है, हम जानेंगे उन्हीं की जुबानी, जनता की जुबानी। आए हैं अपनी अपनी बातें हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीण प्रवेश में हम हैं और बहराइच ये सदर विधानसभा लगती है और यहाँ के जो आम कुछ नागरिक हैं वो योगी सरकार से संतुष्ट आ रहे हैं। हम और भी जानेंगे लोगों से योगी सरकार की क्या है कार्यप्रणाली। जी क्या नाम है आपका? दिनेश चंद्र त्रिपाठी। ये दिनेश जी, योगी सरकार को आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या आपको लगता है? योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। क्या काम किए हैं? अरे जहाँ कहीं बिजली नहीं पहुँची थी वहाँ बिजली पहुँच गई, घर घर में शौचालय बन गए और समाज भयमुक्त है, गुंडा माफियाओं का राज खत्म है, काफ़ी सड़कें बनाई गई, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जन जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोरोना काल में जो काम किया गया उसे उसमें किस प्रकार से आप देखते हैं? बहुत अच्छा कार्य हुआ है कोरोना काल में। कोरोना काल में जो काम हो उसे आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं। और कानून व्यवस्था को किस प्रकार से आप देखते हैं? कानून व्यवस्था भी बढ़िया है, बेहतर है। अच्छा, जिस प्रकार से तमाम जैसे बसपा हो या सपा हो वो लगातार ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम लुभावने दे रही हैं और सम्मेलन करा रही है, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब पार्टी अपना अपना है, अखिलेश भी अपने दम भर रहे हैं, कह रहे हैं योगी सरकार को मुखाड़ फेंकेंगे, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या समझते हैं कि ब्राह्मण मतदाता भाजपा से हटकर सपा या बसपा में जाएगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि ब्राह्मण मतदाता सपा या बसपा में जाएगा, ये लोग केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं बस। अखिलेश के कामों से क्या अखिलेश को लगता है कि अखिलेश कुछ प्रदर्शन ला सकते हैं उत्तर प्रदेश में? कुछ नहीं, वो केवल तुष्टिकरण अपनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में थे जहाँ पर अभी हमने यहाँ पर देखा बहराइच सदर विधानसभा में तमाम यहाँ ग्रामीणों से और तमाम जनता से लोगों से हमने बात किया, उन्होंने बताया कि योगी सरकार से वो काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं और उनकी कानून व्यवस्था को लेकर और जिस प्रकार से कोरोना काल में मेडिकल जो दवा संबंधित काम किया गया कोरोना काल में काम किया गया उससे काफ़ी संतुष्ट नजर आए। अब उनका ये मत है कि 2022 के चुनाव में फिर से योगी सरकार ही बनेगी, अखिलेश सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। वहीं मायावती को उन्होंने बताया कि मायावती सिर्फ ब्राह्मण मतदाताओं को बहका रही हैं, कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंता का विषय होगा मायावती के लिए कि वो किस अपने ब्राह्मण मतदाताओं को कितना समायोजित कर पाती हैं नहीं कर पाती हैं। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए अनिल तिवारी।